ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକାଦଶୀ ଦ୍ୱାର ନାଁ ହେଉଛି ପାପମୋଚନୀ। ପାପମୋଚନୀ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଯିଏ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଗୁରବେ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ରାୟ ରାଧିକାୟ ଇସ୍ତଦାଲୟ କୃଷ୍ଣାୟ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତାୟ तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथमे मदीय गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज का चरण कमल रे अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम जनावि। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज का चरण सरोजरे श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करूअछि। उपस्थित समस्त भक्त वृंद चरण से यथाजुग प्रणाम जनाऊ। आज आम मैंने श्रवण करवा श्री एकादशी कि भाव प्रकट हेले विभिन्न पुराण रे यही संबंध में विभिन्न कथा अच्छी ता भीतर आज गोटे कथा शुणा। थरे निजे भगवान कृष्ण नारद सांगरे से परिभ्रमण कर करू हठात तांको क्रंदन ध्वनि सुनिवाक पड़िला। के कहते बचाओ, के कहते छाड़ी दियो, के कहते आउ पाप करिबुनु। कृष्ण यद्यपि सर्व अंतर्यामी से नारद को पचारे आज आम मैंने कौटिक आसु। नारद कहले प्रभु आपण तो हेल्ले सर्व अंतर्यामी सबकि आप जानती कहीं पचार आम मैंने आसीचु जमपुरी दक्षिणा दरजारे। बोले दक्षिण दरजार अर्थ कौन? बोले जो ठारे 84 नरक अच्छी जीव जे भली भाव कर्म करे से कर्म अनुजाई से फल भोग करे। तापर कृष्ण नारद कहले चल चल आज आम देखा से किभली भाव जीव मैने पाप भोग करते। भगवान से पहुँचले देखिले जी जे भली भाव कर्म कर तांको सही भली भाव रे सेठी दंड दिया जाउची। आउ से माने चित्कार करछंती हमको बचाओ, हमको बचाओ, हमें आउ से पाप कर्म करिबुनु। केतले हठात भगवान सेठी पहुँचले नारदंग सांगरे। केतले भगवान को समस्त पापी माने दर्शन करिले। दर्शन करिवा संगे संगे समस्ते पापरु से मुक्त हेगले। हेले मुक्त हेगले कृष्ण नारद को पचारिले नारद आज कौ तिथि? बोले प्रभु आज हूँ एकादशी तिथि। कृष्ण कहले नारद तू पृथ्वी रे सर्वत्र जाइकरी बीणा बजेकरी सेठी प्रचार कर भगवान कर आदेश। यदि कहीं एकादशी व्रत पालन करती से केवेला आउ से नरक को जीवनी। नारद बीणा बजेकरी सर्वत्र प्रचार करिले भगवान कर जगन्नाथ कर आदेश। यदि कहीं एकादशी व्रत करिवे से केवेला आउ नरक भोग करिवेनी। समस्ते यही एकादशी व्रत पालन करने को आरंभ करले। नियम हूँ एकादशी व्रत रे अन्न खाते नियम हूँ पांचटी है रवि शस्य। कौन कौन? प्रथम नंबर है अन्न बा चाउल जिते प्रकार जिनस हुए। द्वितीय नंबर है गहम जिते प्रकार जिनस हुए जो भाव में अटा सुजी आदि हुए। तृतीय नंबर है जव ता दिन जिते प्रकार जिनस तैयारी हुए। चतुर्थ नंबर है जिते प्रकार डाली अच्छी मुग डाली हरड़ डाली कोलथ डाली तापर बिरी डाली जिते प्रकार डाली अच्छी कौन से डाली चलेनी। आ पंचम नंबर है सोरस। यही पंच रवि शस्य आज हूँ वर्जित। यदि कहीं यही रवि शस्य ग्रहण करती आमर स्कंध पुराण कहते बोले मातृहा पितृहा चैव भातृहा गुरुहा तथा एकादश्यांत जो भक्त विष्णु लोक चुत भवे। अर्थ हूँ एकादशी दिन यदि कही यही पंचशस्य मध्य कौन से शस्य को ग्रहण करती ताको मातृहत्यार पाप पितृहत्यार पाप भातृहत्या गुरुहत्या पाप ताको लागे। तेणु यदि कही विष्णु लोकों को कई गमन करती सेठो मध्य सेठो च्युत हुए। तेणु नियम हूँ ये पांचटी रवि शस्य ग्रहण करवा उचित नुह। त
तेणु बृहद नारद पुराण रचि बोले ब्रह्म हत्यादि पापानाम कथचिर निष्कृतम भवेत एकादश्या तो जो भक्त निष्कृत नास्त्री कुत्रचित। अर्थ कौन यदि कई ब्रह्म हत्या पाप करिछांती तांकर पापरु मुक्त है पारे, किंतु यदि कई एकादश दिन अन्न भोजन करती कहते तांकर उधार हबार कौन सी रास्ता नाही। तेणु नियम होची एकादशी दिन अन्न भोजन करिवे नाही एवं सही दिन कौ तेल रे आपण खाई पारिवे, सबु तेल चलिवनी खाली बादाम तेल, घी रे आपण छंक देकरी ता संगरे अन्य मसला भितरे केवल अदा चलिवो आ कोनोसी मसला सही दिन चलिवनी। आ जदि गोलमरीच थाए सेटा मध्य गोलमरीच को आपण मध्य देई पारिवे एवं जत्ते प्रकार फल अछि ड्राई फ्रूट अछि याको आपण ग्रहण करि पारिवे एवं पनीपरिया भितर सब पनीपरिया चलिबनी, चलिबो जमिते आलू चलिबो तापरे कंदमूल चलिबो कखारु अमृतभंडा एई जे सब्जी उडाक अछि एई सब्जी उडाक सेहि दिन आपण तरकारी करिकरी एई तरकारी को आपण भगवान को भोग देकरी तुलसी पत्ता देकरी भगवान को भोग देकरी आपण एई एकादशी व्रत को आपण पालन करि पारिबे। तेणु पुराणे गोटे कथा अच्छी गोटे हूँ एकादशी दार ना हूँ पापमोचनी। पापमोचनी अर्थ कौन समस्त पापर जी मुक्त हो जाते। पुराणे गोटे कथा अच्छी थरे स्वर्ग रे एक गंधर्व गंधर्विणी समस्त देवता माने सेठी बसिथिले तांका आगरे से नृत्य विद्या देखाउथिले, किंतु से गंधर्विणीटा देखिया बहुत सुंदरी थिला। तेणु से गंधर्व कौन करूथिला नृत्य देखिबा संगरे बारंबार तापटुकु आकृष्ट ही बारंबार चाहूला आर एपटे नृत्यर तालटा खराब हो जाऊला। से ही समय इंद्र चंद्र समस्त देवता माने थिले इंद्र कहले दुष्ट तू जानिनु एटी तू नृत्य विद्या शिखाऊ आते एते आकृष्ट हो जा गंधर्व प्रति बारंबार तापट को तू अनौ एपटे ताल तुम भांगी जाओ जाओ मु तुम दु जन को अभिशाप दे मर्त्य जगत तुम्हें पिशाच पिशाच नहीं प्रेत जोनी रे जाओ। से पिशाच पिशाच नहीं प्रेत जोनी रे सी आसिले एवं बहुत दिन पर्यंत सी बहुत कष्ट पाइले। यदि पानी थाए सेठी पानी सुखी जाए जो डाले रे बसले से डालटी भांगी जाए खाइबा जिनिस खाइबा को गले सेठी खाइबा जिनिस रुहेनी। रात्रि यदि से कौनसी व्यक्ति को उपरे सी तांकर रक्त नपान करते सी रही पारंती यही भाव से बहुत दिन पर्यंत जीवन को बेतले। थरे दु जन चिंता करें एमती संपूर्ण जीवन यही भाव जीवन बीतवा केवेहले कौन आमर उधार हेनी। तेणु हठात से शुणिले गोटे एकादशी अच्छी जार ना हो पापमोचनी एकादशी। यदि से एकादशी कहीं करती से समस्त पापर मुक्त हो पारे, किंतु नियम हो एकादशी गोटे दिन आगे गोटे थर खाइबे से दिन संपूर्ण निर्जला रहिबे। द्वितीय दिन समय भितर तांको सही व्रत तांको भांगिबा को हबो तांको पालन करिबा को हबो, किंतु रात्रि यदि से रक्त नपान करते से रही पारंतिनी। किंतु चेष्टा करले आमे चेष्टा करिबा ई पाप मोचनी दुइ जण एकादशी मिलिकरि करिबा समस्त पापर मुक्त हे जिबा। तेणु से बहु कष्ट करिकरि सही पाप मोचनी एकादशी को जते करंती द्वितीय दिन व्रत करले से समस्त पापर मुक्त होकर पुणी सी गंधर्व गंधर्विणी है से स्वर्ग को गले। जो स्वर्ग को गले इंद्र जिते बड़े देखिले कहले पीड़ा से तू एमती कौन कर्म करू तुम्हें से पिशाच पिशाच जन्मर मुक्त हलु अभिशाप मुझे कहार एत शक्ति अच्छी से पापर तुमको मुक्त करें कहे आमें भगवान कर से पाप मचेनी एकादशी व्रत करी समस्त पापर आम मुक्त होचु। तेणु आम मैंने संसार रे जे दुख कष्ट भोग करचु यही पाप कर्म द्वारा। यदि यही पाप मोचनी एकादशी व्रत करती से माने समस्त पापर मुक्त हो भगवान कर लोक को गमन करती। तेणु आपण मैंने समस्ते एकादशी व्रत करिवे जीवन रे शांति एवं सुखरे रहिबे। बोले निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।